हैं। सो फ्रेंड, फिर से मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज की वीडियो की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। इसके लिए वीडियो को फर्स्ट से लेकर इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, प्रेसिंग द बेल आइकॉन, बिकॉज आप मेरे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि 12th रिजल्ट आउट हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके मन में बहुत सारी डाउट एंड होगी, बहुत टेंशन होगी। हम जैसा कि जानते हैं कि कॉलेजेस में काउंसलिंग होती है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होती है, ये टेंशन होता है कि आखिर ये काउंसलिंग होती क्या है। क्योंकि जैसा कि मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे काउंसलिंग दो प्रकार की होती है, एक मेडिकल टर्म में होती है, ठीक है, और एक एडमिशन टर्म में देखी जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि आखिर काउंसलिंग होता क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। तो आज मैं ये डाउट कि आपकी क्लियर करने वाली हूँ। सो वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। सो फ्रेंड्स, काउंसलिंग की मैं बात कर रही हूँ तो वो मेडिकल टर्म की नहीं बल्कि मैं कॉलेज टर्म की बात कर रही हूँ, जो कॉलेज में एडमिशन की बात होती है, ठीक है। तो काउंसलिंग होता है क्या, ये कॉलेज के टाइम होता है, जब आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपकी काउंसलिंग की जाती है एडमिशन के बाद, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके 12th के एडमिट, 12th के रिजल्ट, आधार कार्ड, ठीक है, ये आपके सर्टिफिकेट के सारे 12th की डॉक्यूमेंट्स लगती है, ठीक है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, फिर आपके आधार कार्ड लगते हैं, इतने सारे होते हैं जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगते हैं। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के अच्छे से दें, अच्छे से सबमिट करें ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो पाए। तो यही होती है ताकि आपकी काउंसलिंग हो सके कि हाँ आपने 12th पास की है, ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, सबमिट होते हैं कॉलेजेस में, उसके बाद फिर आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट होती है, फिर आपकी उस कॉलेजेस में एडमिशन्स जो होती है वो पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। इससे हो जाता है, ये इस काउंसलिंग करने के बाद ये प्रूफ हो जाती है कि आप इसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और इसी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो फिर आपकी क्या होती है कि कॉलेजेस में पूरी तरह से एडमिट आप हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यही होती है काउंसलिंग जो कॉलेजेस में की जाती है, ठीक है, जो एडमिशन्स की बात की जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, वेरी बेनिफिट टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल्सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।